एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही है। दिल्ली के अलीपुर में एक पेपर और प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई और 14 घंटे हो चुके हैं, आग अब तक बुझाई नहीं जा सकी। आग इतनी भयानक है कि दमकल की 35 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन 14 घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग कैसे लगी इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन दमकल विभाग की ओर से NOC नहीं ली गई थी। गोदाम में आग बुझाने की कोई भी इंतजाम नहीं है और वहां पर कागज प्लास्टिक रखा गया था जो ज्वलनशील होता है, और देखते ही देखते आग इस कदर फैल गई कि अब उसको बुझा पाना मुश्किल हो रहा है। 14 घंटे बीत चुके हैं, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के अलीपुर में भीषण आग लगी है। 14 घंटे बीत चुके हैं, 35 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक आग बुझी नहीं है और हालात जस के तस बने हुए हैं। ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही इस बात की कि आग कितनी भीषण है और कितने बड़े दायरे में लगी है कि उस पर काबू कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। देखिए, दिल्ली के अलीपुर में इस वक्त ABP न्यूज मौजूद है। यहाँ पर करीब शाम के 4 बजे फायर डिपार्टमेंट को एक गोदाम में आग की जो खबर है वो मिलती है, और उसके बाद अब रात के करीब 11 बजने वाले हैं। ये जो आग है ये फैलती जा रही है, पूरा का पूरा ये जो गोदाम है इसको इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। और आप यहाँ तस्वीरों में देख पाएंगे धुएं का ये जो गुबार है ये बहुत दूर से ही नजर आ रहा है, और ये जो आग है भीषण आग है। जो लोगों से, जो यहाँ पर आम लोग हैं उनसे जो जानकारी मिल पाई उसके मुताबिक ये जो गोदाम है ये पेपर का गोदाम था, इसमें पॉलिथिन भी स्टोर की जाती थी, तो दोनों ही इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है आग को बुझाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जद्दोजहद जो है वो ज्यादा करनी पड़ रही है। अभी तक जो इनपुट मिल पाया है उसके मुताबिक करीब 34 यहां पर गाड़ियां हैं फायर डिपार्टमेंट की जो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये आग आपको सामने नजर आएगी। साथ ही ये जो दीवार है इसके पीछे भी इस गोदाम का एक हिस्सा है, और दीवार के पीछे भी आपको जो आग की लपटें हैं वो नजर आएंगी। तो कई किलोमीटर दूर से ये जो गुबार है इस धुएं का ये देखा जा सकता है, और ये आग इसको बुझाने की कोशिश जो है वो शाम से ही की जा रही है। तो देखिए, 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन आग अभी बुझ नहीं पाई है। हमारे साथ रिया जुड़ गए। रिया, जिस तरीके से आग 14 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया अभी नहीं बुझी है, कितने बड़े दायरे में आग लगी है और क्या कह रहे हैं फायर ब्रिगेड के अधिकारी कि अभी कितना वक्त लग सकता है इसमें? देखिए, बिल्कुल अभी फायर डिपार्टमेंट से जो अपडेट मिली है उसके मुताबिक ये जो आग लगी है इसको बुझाने में 2 मुश्किलें हैं बड़ी जिनका सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला तो ये कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो हवा चल रही है विंड स्पीड 80 है, और इससे आग जाहिर सी बात है वो बढ़ रही है। और दूसरा ये क्योंकि ये जो गोदाम था इसमें पेपर स्टोर किया जा रहा था, काफी ज्वलनशील होता है, तो काबू करने में मुश्किल आ रही है। हालांकि अभी जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक इस आग को कंट्रोल कर लिया गया है, यानी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। हालांकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी इसे जो बुझाने का काम है, कूलिंग का जो काम है वो लगातार जारी है, ये फायर डिपार्टमेंट का कहना है। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी कि अभी तक इसका कॉज एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है कि क्या कुछ कारण रहा, ये जो आग लगी इस आग का कारण क्या था। लेकिन देखिए, अपडेट यही कि अभी इस आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें जो विंड स्पीड है वो एक बड़ी दिक्कत है, साथ ही साथ इंफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट का होना, यानी ज्वलनशील जो पदार्थ है जिसमें की पॉलिथिन भी शामिल है, पेपर भी शामिल है, इनका होना ये सबसे ज्यादा जो बड़ी दिक्कत है वो फायर डिपार्टमेंट के सामने आ रही है। कल शाम से ही 30 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं फायर डिपार्टमेंट की, लगातार इसको बुझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल, यानी कि हालात काबू में है लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। दिल्ली के पास आग लगने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। नोएडा के सेक्टर 50 में एक सोसाइटी की 6ठे फ्लोर पर आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से फ्लैट में रखा सामान जलकर राख हो गया। तो ये देखिए, ये नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 50 में एक सोसाइटी के 6ठे मंजिल पर आग लगी और आग लगने से हड़कंप मच गया क्योंकि देखिए आग की जो लपटें थी बहुत तेज थी, और दिक्कत ये होती है ऐसे में कि अगर वक्त रहते आग पर काबू न पाया जाए तो फिर जो ऊपर के मंजिलें हैं उनमें आग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने से फ्लैट में रखा सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया।
घंटे फायर सर्विस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि सेक्टर 50 आलोक विहार के बंद पड़े फ्लैट के 5th फ्लोर में आग लग गई है। क्योंकि ये फ्लैट बंद था तो आग काफ़ी फैल गई थी। 20 से 25 मिनट फायर फाइटिंग करने के बाद आग को पूर्णतः बुझा दिया गया है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में भीषण आग लग गई। मधु विहार अहिल्या चौक के पास आग 3 मंजिल मकान में लगी, जिसके बाद दमकल विभाग ने आसपास के कई मकानों को खाली करा दिया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के बाद कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तो ये तस्वीर आप देखिए, 3 मंजिला इमारत थी जिसमें आग लगी है, और गाजियाबाद में भीषण आग लगी। मधु विहार अहिल्या चौक के पास ये बिल्डिंग है जहां पर आग लगी, जिसके बाद दमकल विभाग ने आसपास के मकानों को एहतियातन खाली कराया। हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने के बाद कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल काफी देर तक बना रहा। देखिए किस तरीके से जो धुएं का गुबार है वो उठ रहा है। आग बुरी तरीके से फैल गई थी। फायर ब्रिगेड की जो टीम पहुंची, सबसे पहले उन्होंने आसपास के घरों को खाली कराया, क्योंकि इस बात की आशंका भी थी कि ये आग थोड़ी देर में अगल बगल के घरों को भी चपेट में ले सकती थी, लेकिन मौके में वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।